नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार नगर निकाय चुनाव पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद। अब 10वीं के छात्र पढ़ सकेंगे 9 वोकेशनल कोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय गणना पर सुनवाई से किया इनकार। जाति आधारित गणना का पोर्टल हुआ तैयार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार नगर निकाय चुनाव पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद। बीते दिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ के द्वारा नगर निकाय चुनाव को नियम विपरीत बताने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने इस मामले पर 2 सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी है। दरअसल इस मामले पर सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा कोर्ट को याचिका का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, जिसके कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई को 2 सप्ताह तक टाल दी। बता दें कि इस मामले पर हाईकोर्ट का कहना था कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से बस तारीख को बदला गया। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से जवाब मांगा गया था, जिसका जवाब देने के लिए सरकार के द्वारा 2 सप्ताह का समय मांगा गया। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में की जाएगी। बिहार के 22 शहरों के 53 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना के तहत सूबे के 22 शहरों के 3 नगर निगम, 8 नगर परिषद और 11 नगर पंचायतों में स्थित कुल 53 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बता दें कि इसके जीर्णोद्धार में कुल 44.64 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रशासनिक रूप से स्वीकृत कुल राशि में से तत्काल 7.85 करोड़ रुपए निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है। इस दौरान विभाग के द्वारा शहरी निकायों को कहा गया है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि नदी और तालाबों के जीर्णोद्धार का योजना का डुप्लीकेशन न हो। इसके साथ ही कार्य स्थल पर विभाग का नाम, योजना की प्रकृत राशि, योजना का वितरण, लागत और उसके पूर्ण होने की तिथि संबंधित बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की जिलों की रैंकिंग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार राज्य के जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें संबंधित जिले के राजस्व अपर समाहर्ता द्वारा किए गए कार्यों का आधार बनाया गया है। इस रैंकिंग की सूची में बिहार का वह टॉप 5 जिला जिसने बीते दिसंबर महीने में दाखिल खारिज, लगान वसूली, परिमार्जन और जमीन से संबंधित दूसरे कार्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनमें बांका, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और मधेपुरा जिला शामिल है। वहीं अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो पटना 38 जिलों में 34वें पायदान पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूची में सबसे निचले पायदान पर रोहतास जिला का नाम है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म अभिनेता, नर्तक, टेलीविजन व्यक्तित्व एवं उद्यमी और एक परोपकारी व्यक्ति थे। राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में टेलीविजन धारावाहिक शो किस देश में है मेरा दिल से की थी। इसके बाद उन्होंने जी टीवी लोकप्रिय शो पवित्र रिश्ता में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन किया। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में काई पोचे से की थी, जिसके लिए उन्हें श्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। सुशांत सिंह राजपूत ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक पर आधारित फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में मुख्य भूमिका निभाई थी। बाद में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। अभिनय के अलावा युवा छात्रों की मदद करने के प्रयासों के तहत सुशांत फॉर एजुकेशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय गणना पर सुनवाई से किया इनकार। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जातीय गणना पर रोक लगाने संबंधी याचिका को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से साफ तौर पर कह दिया है कि अगर याचिकाकर्ता को सरकार के द्वारा की जा रही जातीय गणना से किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति है तो वे सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में अपील दायर करें। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तभी कोई फैसला सुनाया जाएगा जब हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले को लेकर कोई फैसला सुनाया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लिए इस तारीख से पहले करें आवेदन।
मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के तहत 2021 व 2022 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि इस योजना के तहत 2021 में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 10,000 और वर्ष 2022 में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें आवेदन करने के लिए छात्राओं को NIC के द्वारा विकसित ई कल्याण पोर्टल को medhasoft.bih.nic.in के माध्यम से खोलकर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत छात्राओं को दी जाने वाली राशि छात्राओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। बुद्ध की भूमि पर दलाई लामा का एक महीने का प्रवास पूरा। बीते दिन तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा का गया में एक महीने का प्रवास पूरा हो गया, जिसके बाद वे हिमाचल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनकी एक झलक को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनका अभिवादन दलाई लामा ने हाथ हिलाकर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दलाई लामा सबसे पहले गया एयरपोर्ट से चार्टर विमान से दिल्ली गए और उसके बाद वहां से वह हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए। मालूम हो कि दलाई लामा 20 दिसंबर को बोधगया आए थे और 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 दिनों तक उन्होंने कालचक्र मैदान पर तिब्बती और विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालुओं को नागार्जुन के बोधि चित्र पर प्रवचन दिया था। इसके साथ ही इन्होंने 3 जनवरी को द दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम के भवन का शिलान्यास किया था। अब 10वीं के छात्र पढ़ सकेंगे 9 वोकेशनल कोर्स। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नए सत्र 2023-24 सत्र की 10वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स अब व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए ऐच्छिक विषय का चयन करने वाले स्टूडेंट्स को 23 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जिक्र करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टूडेंट्स को 9 वोकेशनल कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें से उन्हें किसी एक का चयन करना होगा। इन 9 वोकेशनल कोर्स में सुरक्षा, ब्यूटीशियन, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, रिटेल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम एंड IT और IT ट्रेड विषय शामिल है। क्लर्क के घर से निकला 25 लाख का नगद और जेवरात बरामद। बिहार के दरभंगा में ग्रामीण विभाग के उच्च वर्गीय लिपिक सुभाष कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर निगरानी विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान विभाग के द्वारा उच्च वर्गीय लिपिक के घर छापेमारी करते हुए 25 लाख नकद रुपए, ज्वेलरी और जमीन के कागजात बरामद किए गए। बता दें कि बरामद की गई ज्वेलरी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। मालूम हो कि निगरानी विभाग को जानकारी मिली थी कि दरभंगा में पदस्थापित ग्रामीण विभाग का लिपिक सुभाष कुमार सिंह के द्वारा अवैध ढंग से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित करके रखी गई है। इसके बाद सत्यापन कराया गया और सत्यापन मिलने के बाद न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गोगा झील के बारे में। बिहार की कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित एक अनोखी गोगा बिल झील, जो एक ओर गंगा नदी तो दूसरी ओर महानंदा नदी से घिरी है। बिहार की सबसे बड़ी और खूबसूरत स्थलों में गोगा झील भी आती है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। यह झील लगभग 5 किलोमीटर 217 एकड़ में फैली हुई है। गंगा और महानंदा से सीधे जुड़े होने के कारण झील इन नदियों को बरसात के मौसम में सहायक नदियों के माध्यम से जोड़ती है। कई प्रकार के स्थलीय जलीय जंतु और पक्षी इस स्थान पर आते हैं। समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के साथ इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में देखा जा सकता है। बिहार में बढ़ेगा पुलिस बल, 65,000 बहाली जल्द। बिहार में राष्ट्रीय औसत की तुलना में पुलिस कर्मियों की संख्या में कमी को देखते हुए 2023 के अंत तक बिहार में 65,000 पुलिस बहाली की जाएगी, जिसके बाद बिहार में पुलिस की संख्या बढ़कर 1,20,000 से 1,85,000 हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में 1,000 की आबादी पर एक पुलिस बल है। वहीं 65,000 पुलिस की बहाली होने के बाद यह अनुपात घटकर 649 व्यक्ति पर एक पुलिस बल हो जाएगा। वहीं अगर बिहार में मौजूद पुलिस बल में महिलाओं की बात करें तो वर्तमान में 24.40% महिला पुलिस है, जो बहाली होने के बाद बढ़कर 29% हो जाएगी। अब बिहार में 2 मिनट में होगी बिजली बहाल। बिहार के लोगों को स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करवाने के बाद 1 से 2 मिनट में बिजली बिल मिल सके और नॉन कम्युनिकेशन गैपिंग को खत्म किया जा सके, इसके लिए अब स्मार्ट मीटर को मोबाइल ऐप से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद उपभोक्ता को अब रोजाना बिजली खपत और पैसा काटने की सूचना मिलती रहेगी। बता दें कि अभी तक सर्वर की क्षमता कम होने से इस तरह की सूचना पाने में उपभोक्ता को समस्या झेलनी पड़ रही थी। इसी को देखते हुए अब बिजली कंपनी के द्वारा सर्वर की क्षमता को बढ़ाते हुए 5 लाख स्मार्ट मीटर से 15 लाख स्मार्ट मीटरों को संचालित करने की कर दी गई है। वहीं इस पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के निदेशक अशोक कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जैसे जैसे मीटर की संख्या बढ़ेगी वैसे ही सर्वर की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा।
जाति आधारित गन्ना का पोर्टल हुआ तैयार। राज्य में जाति आधारित गन्ना के पहले चरण की प्रक्रिया चल रही है, वहीं अब इसके पोर्टल को भी तैयार कर लिया गया है। बता दें कि तैयार किए गए इस पोर्टल में जातिगत गन्ना से जुड़े आंकड़े डाले जाएंगे। फिलहाल इससे जुड़े आंकड़े जिलाधिकारी की देखरेख में प्रमंडल स्तर पर एक्सेल सीट में डाले जा रहे हैं, जिसके बाद ही इन आंकड़ों को पोर्टल पर डाला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में हो रहे जाति गन्ना से जुड़े सारे डिजिटल काम का जिम्मा दिल्ली की कंपनी ट्राइजीन टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक जाति आधारित गन्ना का काम 70% तक पूरा हो चुका है। मैडम नंदिनी के पढ़ाने का तरीका हुआ वायरल। इन दिनों बिहार की एक शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनका पढ़ाने का तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि यह वीडियो रोहतास के डेहरी इलाके के मध्य विद्यालय भेड़िया सुअड़ा की टीचर नंदिनी कुमारी का है, जिसमें वह बच्चों को गाने के जरिए पढ़ाते नजर आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि यह शिक्षिका संगीत की टीचर नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विज्ञान की टीचर है, जो गाने के जरिए से बच्चों को उनके पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी देती है। उनका यह पढ़ाने का तरीका बच्चों को भी खूब पसंद आता है, इसलिए बच्चे भी मस्ती के मूड में पढ़ाई करते हैं। वायरल हो रही इस वीडियो में शिक्षिका बच्चों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझाती नजर आ रही हैं। अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अभी भी प्रदेश में ठंड जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश में सुबह शाम लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। बता दें कि प्रदेश में पछुआ हवा के प्रवाह के कारण लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। इन दिनों पछुआ हवा की रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। साथ ही विभाग ने यह भी बताया है कि प्रदेश के पश्चिमी भाग में तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 24 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। डीआईजी शिवदीप लांडे ने 30 अपराधियों की सूची जारी की। बीते दिन कोशी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे के द्वारा 29 कुख्यात बदमाशों की सूची जारी की गई है, जिनके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती जैसे संगीन आरोप लगातार लगता रहा है। इसके साथ ही एसपी को यह निर्देश दे दिया गया है कि जल्द ही इन सभी को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद जिलों में इसके खिलाफ पुलिस के द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व में पदस्थापना के बाद डीआईजी के द्वारा रेंज के 3 जिलों के टॉप 10 अपराधियों की सूची मांगी गई थी, जिसमें से सूची के आधार पर पुलिस के द्वारा 21 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। स्कूलों में बच्चों के नामांकन में बिहार अव्वल। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए एक आंकड़ा जारी कर लिखा गया है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कुशल नीतियों का ही परिणाम है कि समाज के हर वर्ग के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज बिहार देश भर में सबसे अधिक बच्चों के दाखिले वाला राज्य बन गया है। बता दें कि जारी किए गए आंकड़े के अनुसार बिहार में 2022 में स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों का प्रतिशत 98 है, जबकि यही प्रतिशत वर्ष 2014 और 2018 में 95.9 और 96.1% रहा। यानी कि 2014 से लेकर 2022 तक स्कूलों में नामांकन कराने वाले बच्चों के प्रतिशत में 2.1 की बढ़ोतरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आंकड़े में 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल है। ये बच्चे स्कूल से वंचित न रह सके, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद सुधाकर सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर उनके खिलाफ जारी किए गए नोटिस के बाद उन्होंने पहली बार अपने बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब हम लोग विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि कौन सा शब्द संसदीय है और कौन सा असंसदीय। मेरे द्वारा किए गए शब्द कड़े हो सकते हैं लेकिन असंसदीय नहीं। मैं सिद्धांत और संविधान से बना हुआ हूं। मुझे जो नोटिस दिया गया है उस समय सीमा के अंदर मैं अपना पक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। उन्होंने कहा कि यह मामला पार्टी के भीतर अंदरूनी है। सार्वजनिक तौर पर मैं इस विषय पर नहीं आना चाहता हूं कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है और उसका क्या जवाब दिया जाए। पार्टी जैसा निर्णय लेगी उस हिसाब से पार्टी के साथ काम करते रहेंगे। रेल बजट को लेकर सीएम नीतीश का केंद्र सरकार से मांग। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के आम बजट से रेलवे के बजट को अलग कर संसद में पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से रेल बजट पेश होता था उसी तरह से पेश हो। जब मैं रेल मंत्री हुआ करता था तब हाउस में रात भर रेल के बजट पर चर्चा चलती थी और जब भी रेल बजट पेश की जाती थी तो उसकी चर्चा पूरे देश भर में होती थी। उस समय यह इतनी बड़ी चीज होती थी, इसलिए मेरा कहना है कि रेलवे का बजट अलग से करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे में पहले की तरह ही नियुक्तियां होनी चाहिए। अगर रेलवे का और विकास हो जाए तो लोगों को और भी सहूलियत मिलेगी।
पीएम मोदी के नियुक्ति पत्र बांटने पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोजगार मेला 2023 के तहत कुल 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र बांटने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मोदी को घेरते हुए उन्हें अपने निशाने में लिया। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी 100 करोड़ से अधिक है और वे 75,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जबकि बिहार की आबादी 12 करोड़ से अधिक है, लेकिन फिर भी हम कैबिनेट बैठक करके लाखों पदों का सृजन किए हैं। हमने राज्य में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। हम बस एक राज्य में ही लाखों में युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और वे पूरे देश में हजारों। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की केवल दिखावटी नौटंकी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया के नाम रहा। तो वहीं आज यानी कि 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाना है। बता दें कि मैच शुरू होने के आधे घंटे पहले यानी कि 1 बजे टॉस किया जाएगा। आज के इस मैच को खेलने के लिए टीम इंडिया रोहित शर्मा की अगुवाई में सीरीज पर कब्जा करने की चाह से मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी ओर कीवी टीम दूसरा वनडे को जीतकर सीरीज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। आज के इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। असम का नेफा क्षेत्र 1972 में केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश बना। भारत ने 2008 में इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया। कॉपीराइट अधिनियम 1958 को लागू किया गया। पश्चिम भारतीय संगीतकार बिली ओशन का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ। उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय का जन्म 1943 में आज ही के दिन हुआ। 1945 में प्रख्यात वकील और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी घोष की मृत्यु हुई। 1959 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानचंद्र घोष की मृत्यु हुई। 1963 में हिंदी साहित्य के एक पत्रकार, उपन्यासकार, संपादक और कहानीकार शिवपूजन सहाय की मृत्यु हुई। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस आज ही के दिन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही निर्विरोध तरीके से यशवंत सिन्हा चुने गए। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होकर द्रौपदी मुर्मू देश की वर्तमान राष्ट्रपति बनी। व्हाट्सएप में आ रहा फोटो शेयरिंग से जुड़ा जबरदस्त फीचर। मेटा स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कथित तौर पर एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी मूल क्वालिटी में फोटो भेजने का अनुमति देगा। वावी टाइफो की रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म ड्राइंग टूल हेडर के भीतर एक नए सेटिंग आइकन को एकीकृत करने की योजना बना रहा है जो उपयोगकर्ता को किसी भी फोटो की गुणवत्ता को कॉन्फिगर करने की अनुमति देगा। नया फीचर उपयोगकर्ता को उनके द्वारा भेजी जाने वाली तस्वीरों की क्वालिटी पर अधिक नियंत्रण प्रदान करेगा, खासकर जब फोटो को उसकी मूल क्वालिटी में भेजना आवश्यक हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मूल क्वालिटी के साथ फोटो भेजने की क्षमता वर्तमान में विकास के अधीन है और भविष्य के अपडेट में जारी होने की उम्मीद है। देश में 71,000 को मिली सरकारी नौकरी। बीते दिन साल 2023 का पहला रोजगार मेला रहा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश भर में कुल 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी गई। बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये 2023 का पहला रोजगार मेला है। इसके साथ नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। नौकरी पाने वाले सभी युवाओं और उनके परिवार को बधाई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अभी और भी लाखों परिवारों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। रोजगार मेले का यह निरंतर आयोजन हमारी सरकार की पहचान बन चुकी है जिससे यह पता चलता है कि कैसे सरकार संकल्प लेती है तो उसे पूरा करके दिखाती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नु गोलू कुमार, नैन प्रकाश यादव, कमलेश शर्मा, दीपक कुमार, मृत्युंजय कुमार, कस्तूरी कुमारी, पंकज कुमार, पंकज कुमार दास, रवि कुमार राम, विकास कुमार, सदुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, पप्पू कुशवाहा, मिथिलेश चंद्रवंशी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारतीय टीम आज न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में हराकर सीरीज जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।